हेलो स्टूडेंट्स, आज आपको हिंदी की जो स्वर रचना बुक है उसमें आपको अंक की मात्रा के शब्द लिखने हैं। ओके, जो हम अंक की मात्रा लगाते हैं ना ऊपर एक डॉट, ठीक, जैसे कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन, इसको उच्चारण कैसे निकलता है, जैसे प ता में अंक की मात्रा तंग, प तंग, अंग होता है ना अंग से अंगूर, वही है ये मात्रा, ठीक है। जैसे क्या है पलंग, तो कैसे पढ़ेंगे प लंग, झंडा, बंदर, संजय, देखो बंदर अंगूर खा रहा है, ठीक है। तो ये आपको पूरा पढ़ पढ़ के यहाँ पे लिखना है अंक की मात्रा के शब्द। अब नेक्स्ट पेज में आपको क्या करना है कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, उनको पहचान कर आपको उनके यहाँ पे नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या है हंस, ठीक है, ये अंक की मात्रा ऊपर लगेगी हंस। ये क्या है पंखा, तो पंखा। ये क्या है अंगूर, तो अंगूर लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक से आपको सही शब्द उसमें भरना है। जैसे जंगल, मंगल, मंदिर, बंदर, ठीक। बहुत ही चंचल होता है, क्या चंचल होता है बंदर, बंदर, तो यहाँ बंदर लिखेंगे, बहुत ही चंचल होता है। मैं घंटे और शंख बज रहे थे, कहाँ बज रहे थे मंदिर में, है ना, मंदिर, या मंदिर लिखेंगे। मैं घंटे और शंख बज रहे थे, के दिन उसका अवकाश था, कब मंगल, मंगल के दिन उसका अवकाश था, ठीक। फिर आनंद एक से गुजर रहा था, कहाँ से गुजर रहा था जंगल से, तो आनंद एक जंगल से गुजर रहा था, ठीक। तो ये अंक की मात्रा के शब्द हैं, ये आपको बुक में सारे लिखने हैं, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि जो हिंदी की आपकी ये बुक है ना स्वर ज्ञान, ठीक है, इसको ओपन करना है, इसमें अंक की मात्रा के शब्द निकालने हैं, ठीक है। आपको पेज, तो इनको पहले आप पढ़ेंगे। जैसे ये क्या है पंख, शंख, इंजन, पग, डंडी, ठीक है, अंग, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे निकलता है अंग करके। ये क्या है झंडा, पतंग, बंदर, आपको ये पढ़ना है घर में। अंग, दंग, गंगा, कंधा, चंदा, रंग, हंस, चंगा, अंधा, मंदा, ठीक है। तो आप ये सब पढ़ेंगे, फिर क्या करना है आपको ये कॉपी में लिखना है, ठीक है, अंक की मात्रा के शब्द, और ये कॉपी में आप लिखेंगे। इसको आपको पढ़ना है, रंग बिरंगी होली आई, अंकुश, जयंत, गंगू, अंकित, संजना, संजू व अंजू, सब रंग खेलने आए, ठीक है। आपको अच्छे से पढ़ना है, चारों ओर होली का हुड़दंग है, अंजू ने संजू को पकड़ा, संजना ने रंग डाल दिया, ठीक है। तो ये आपको पूरा धीरे धीरे रीड करना है पूरा चैप्टर, ओके। नेक्स्ट इसका अभ्यास है, ठीक है, तो आपको चित्र देखकर उनके नाम लिखने हैं। जैसे ये क्या है मैंने उस बुक में बताया था, ये क्या है हंस, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे हंस। पंखा, ये क्या है घंटा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा घंटा, ठीक है। ये क्या है अंडा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा अंडा। क्या है बंदर, तो बंदर लिखेंगे। ये क्या है अंगूर, तो यहाँ पे हम अंगूर लिखेंगे। ये क्या है कंघा, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कंघा, ठीक है। ये क्या है कंगन, तो यहाँ पे हमने लिखा कंगन, ठीक है। तो ये आपको देखकर करना है, और यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं उनमें सही अक्षर पर आपको ये अंक का प्रयोग करना है। जैसे रग, तो रग थोड़े होता है, क्या होता है रंग, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा रंग। सीग, यहाँ पे क्या होगा सींग। ग, पंख, पा में अंक की मात्रा पंख, ठीक है। ऐसे भिंडी, तो यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे अंक की मात्रा आ जाएगी भिंडी,
जंगल, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, आपको ये यहाँ लिखना है ऐसे, जा में अंक की मात्रा जंगल, ठीक है। सुगंध, तो सुगंध, सुगंध। बंदूक यहाँ पे, संतान, ठीक है, संदेश, तो ये आपको यहाँ लिखना है, ठीक। इन शब्दों से मिलते जुलते शब्द आपको लिखने हैं, ये आप ढूंढ के पीछे लिखेंगे, ठीक है। जैसे अंग है तो दंग लिख दो, चंदा, फंदा, यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएंगे, जैसे अंग